राधे राधे दर्शकों, मैं आज आ गया हूँ मथुरा ज़िले के वृंदावन में और आज हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री बाके बिहारी जी का। अगर आप वृंदावन आते हैं और सबसे पूछते हैं कि मेन मंदिर कौन सा है, तो वो है श्री बाके बिहारी जी का। यहाँ का पंडित के द्वारा कहा जाता है कि कृष्ण जो है बाके बिहारी के रूप हैं, उन्हें बांसुरी नहीं दिया जाता है। साल में सिर्फ एक बार वो बांसुरी मिलता है और बाल गोपाल के सारे सजने संवरने के कपड़े यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चारों तरफ वही सामान बिक रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप भी नंद गोपाल घर में स्थापित करते हैं तो यहाँ से उनका सामान वस्त्र खरीद सकते हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब क्या फील है, खुशी होता है उस जगह में जाने के बाद। क्योंकि जब मैं मंदिर के अंदर फर्स्ट टाइम गया, मेरे आँखों में आंसू आ गए थे यार, खुशी के आंसू। भीड़ इतना, लेकिन प्रभु से मिलने की इच्छा इतनी थी कि मैं आज मिल के ही जाऊंगा। तो मैं बहुत देर, मतलब हम और हमारे सारे साथी जो भी हम लोग गए थे, जितने भी, वो हम लोग इतना वेट किए हैं ना लाइन में कि बता नहीं सकते हैं। सिर्फ एक झलक पाने के लिए सभी कोई इंतज़ार में है कि कब हम बाके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये मंदिर का गेट है, अभी हम यहाँ से इन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। एक गेट बंद हो गया था, एक दरवाज़ा, तो हम लोग दूसरे गली से फिर जा रहे थे। अब देखिए, राधे राधे बोल दीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे बाके बिहारी जी यहाँ पर विराजमान हैं और आप भीड़ देख सकते हैं। बस दो पल वहाँ देखें और मन प्रसन्न हो गया। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और कोशिश करें कि आप भी एक बार वृंदावन ज़रूर जाएं। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में राधे राधे भी कर दें। बाके बिहारी दर्शन करने के बाद सभी कोई यहां पर लस्सी ले रहे हैं। सोनू भी बहुत अच्छा। कैसा लस्सी? बहुत अच्छा लस्सी है। बहुत अच्छा। तुम नहीं पिएगा?